नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम अमित चौहान है। मैं HM क्लाउज इंडिया की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो आज हम जानेंगे तरबूज की खेती के बारे में। तो HM क्लाउज इंडिया ने 10 साल रिसर्च करके हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दिया है, जिसका नाम है जंबो रेड। तो आज हम जंबो रेड की, ये जो यहाँ पे खेती देख रहे हैं, जंबो रेड की खेती है। तो आज हम जानेंगे कि जंबो रेड की खेती किस तरीके से फार्मर करते हैं और कैसे तरीके से यहाँ पे इनका अच्छा उत्पन्न लेते हैं। तो हमने आज जो हमारी वैरायटी का नाम है HM क्लाउज कंपनी की जंबो रेड। तो ये जंबो रेड का मेन कैरेक्टर, जो आप जो फल देखेंगे, ये पूरा कैप्सूल साइज का फल यहाँ पे आएगा और काफी वजनदार फल यहाँ पे आएगा। अभी मेरे पास जो फल है, ये कम से कम 7 से 8 किलो तक यहाँ पे फल है। ये वैरायटी का मेन खासियत है कि इसमें जो फीमेल फ्लावर की जो संख्या है वो ज़्यादा है, मतलब जो मादी फूल है, मादी फूलों की संख्या ज़्यादा है। उसकी वजह से एक बेल को साधारण सा 3 से 4 फल यहाँ पे लगते हैं। वो उससे उसमें से 2 या 3 फल काफ़ी अच्छी तरीके से 5-6 किलो तक यहाँ पे तैयार होते हैं। अगर पहला फल अगर 7-8 किलो का गया तो दूसरा फल जो है वो 3 से 4 किलो तक आता है। मतलब जब वेंडर यहाँ पे काटते हैं पहला ए ग्रेड का माल, तो 2 किलो का ऊपर का जो माल रहता है वो ए ग्रेड में जाता है। तो ए ग्रेड में जाने के वजह से हमारे जो फल है, ये वैरायटी का जो कैरेक्टर है, 80 से 90% माल इसका ए ग्रेड में आता है। मतलब पहले हार्वेस्टिंग में 80 से 90% यहाँ पे माल निकल जाता है। तो आज मेरे साथ में यहाँ पे, आज आप देख सकते हैं कि ये जो 3.5 एकड़ का यहाँ पे प्लॉट है, HM क्लाउज कंपनी का जंबो रेड, ये वैरायटी का यहाँ पे प्लॉट है। तो कल इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। कल ये फार्मर को यहाँ पे 80 टन यहाँ पे माल निकल चुका है 3.5 एकड़ में। 3.5 एकड़ यहाँ पे इन्होंने सोइंग किया था, 19 पैकेट का यहाँ पे सोइंग किया था इन्होंने। तो उसमें से इनका अभी 80 टन माल कल निकल चुका है। हाँ, और आप देख सकते हैं कि जो बचा कुचा अभी माल है उसकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे साइज बनी है। अभी 2 से 4 दिन में ये प्लॉट के हार्वेस्टिंग होने वाला है, और तो उसमें कम से कम फार्मर को 20 से 25 टन और यहाँ पे उपज आएगी, 20 से 25 टन का और उत्पादन यहाँ पे आएगा। मतलब कुल मिला के इनको या 19 पैकेट में यहाँ पे 100 टन तक यहाँ पे उत्पादन आ रहा है, 100 टन का यहाँ पे उत्पादन आ रहा है। तो हमने जब ये वैरायटी बनाई थी तो हमने सभी चीज़ों का यहाँ ध्यान रख के ये वैरायटी किया था। अभी ये जो वैरायटी है लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाने वाली है। इसका जो अंदर अबर आप काटेंगे तो उसमें का जो साइड का जो व्हाइट कलर का जो पत्ता ये आता है, साइड का जो लेयर आता है उसका, वो थोड़ा सा मजबूत यहाँ पे दिखने को मिलता है। उसकी वजह से ये वैरायटी लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन तक जाती है। मतलब इसको 5-6 दिन ट्रांसपोर्ट में भी गए तो भी ये फल फटता नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। अंदर से इसका जो जाली होता है, कुछ फल जाली होते हैं, तो ये वैरायटी में अंदर से जाली होता नहीं है। उसमें जो बीज बोलते हैं, उसमें जो सीड पॉकेट करके अंदर जहाँ बीज तैयार होता है उसके नीचे बारीक होल दिखने को मिलते हैं, तो ये होल अपने वैरायटी में कम है। इसके वजह से ये वैरायटी में जाली नहीं बनती है। अगर जाली बन गई समझ लो तो ये लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन को नहीं जाता है, लेकिन जाली ना बनने की वजह से ये फल आप कहीं भी लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये वैरायटी की ये खासियत है। उसके बाद में उसका जो मीठापन है, साधारणतः 14 TS तक इसमें शुगर है, शुगर का परसेंटेज है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। जो मार्केट के हिसाब से आज लगता है वो हिसाब से आज में दिया है। और दूसरी एक बात, ये वैरायटी की ये 70 से 80 दिन में यहाँ पे हार्वेस्टिंग को प्लॉट आ गया है। 70 से 80 दिन में आप अगर कोई भी फल पाटोगे तो वो पूरा लाल कलर का निकलेगा, अच्छा लाल कलर का निकलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं भी ये प्लॉट में जो वायरस बोलते हैं, वायरस रोग का कहीं प्रादुर्भाव नहीं है, वायरस रोग का कहीं प्रादुर्भाव नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये प्लॉट में विल्टिंग मर का जो प्रॉब्लम है, मर रोग का, वो 70 से 80 दिन में ये वैरायटी में कहीं दिखने को नहीं मिलेगा आपको। ये वैरायटी पूरी 70 दिन तक यहाँ पे हरी रहती है, पूरा जो उसका पाला है पूरा हरा है। और उसके पाले की एक खासियत है, पाला ज़्यादा होने की वजह से, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाला ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग हो गया है, तो जो फल पूरे पाले के नीचे है। अभी हार्वेस्टिंग करने की वजह से ये पाला थोड़ा सा दब गया है, इसके लिए फल आपको ऊपर दिख रहे हैं। तो ये जो फल है वो पूरे पाले के नीचे थे पहले, अभी ये ऊपर आए हैं, पाले के नीचे रहते हैं। तो टेम्परेचर कितना भी बढ़ा, टेम्परेचर का कुछ भी इफेक्ट इस पर ये वैरायटी के ऊपर होता नहीं है। तो उसके बाद में ये वैरायटी का जो आप पाउडर देखेंगे, आप कौन सा भी फल देखिए यहाँ पे, कि ये वैरायटी का जो अभी पाउडर जो आता है, तो पाउडर काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं पाउडर का जो प्रमाण है, तो पाउडर काफ़ी अच्छा है ये वैरायटी में, पाउडर का भी अच्छा यहाँ पे है। तो हमारे साथ में अभी एक फल हम यहाँ पे काट के देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये जो अभी ये फल यहाँ पे काटा गया है,
तो अंदर से ये पूरा पैक है, अंदर से उसका कुछ जाली नहीं कुछ नहीं। ये फल को अभी 5 से 6 दिन तैयार होने को बाकी है, 5 से 6 दिन में इसका जो लाली है रेड कलर है पूरा आ जाएगा एक फल के ऊपर। और ये यहाँ से 5 से 6 दिन के बाद में लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जा सकता है, यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये फल जाएगा।